changes. Welcome to भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो. कर दिया, चल बढ़ाओ. हेलो, तो कैसा चल रहा है सब? उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम अभी रिवीजन करने आए होगे, ना कि एग्जाम से एक रात पहले पहली बार चैप्टर को पढ़ने. चलो जो भी है, मूवी शुरू करते हैं. मूवी का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज. तो इस चैप्टर में हम बीजेपी, कांग्रेस, इन टाइप की पार्टीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही पार्टीज ही होती हैं जो देश को चलाती हैं. तो पार्टी दो टाइप की होती हैं. एक तो वो पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे लोग जिनकी एक जैसी सोच होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इलेक्शन में लड़ते हैं ताकि उनके पास देश का कंट्रोल आ जाए. और दूसरी टाइप की पार्टी होती है बर्थडे पार्टी, ब्रेकअप पार्टी, दारू पार्टी. बेसिकली जब भी हमें कुछ पागलपन करना होता है तब हम पार्टी करते हैं. तो चलो अब ये पता करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आखिर ये गुंडागर्दी के अलावा और क्या क्या करती हैं. तो पहली बात तो सभी को पता होगी, ये इलेक्शंस में अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं. सेकंड, ये पार्टीज लोगों के सामने नई नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती हैं जो देश की भलाई के लिए होते हैं. जैसे पार्टी ए कहती है कि वो सड़क बनाएगी और पार्टी बी कहती है कि वो बिजली और पानी देगी. वैसे हैरानी की बात तो ये है कि 50-60 साल पहले भी हमारे देश के मुद्दे बिजली, सड़क, पानी थे और अब भी यही मुद्दे हैं. ऐसा लगता है जैसे देश का कुछ हुआ ही नहीं है. थर्ड, ये पार्टीज देश के लॉज बनाने में अच्छा खासा काम करती हैं, क्योंकि असेंबली में ज्यादातर मेंबर्स एक ही पार्टी के होते हैं और ये सब वो करती है डिबेट्स में अपना एजेंडा रखकर. फोर्थ रोल हो जाएगा कि ये पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती है, यानी सरकार बनाती हैं और फिर अपनी अपनी पॉलिसीज को देश में इम्प्लीमेंट करती हैं. फिफ्थ, जो पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन में जाती है और सरकार की गलतियां निकालती है. वो उनके काम काज भी देखती है कि सरकार सब कुछ अच्छे से कर रही है या नहीं. ये पार्टीज देश की समस्याओं को भी सरकार के सामने रखती हैं. सिक्स्थ, ये पार्टीज लोगों के काम भी करवाती है या करती है. जैसे इलेक्शन के टाइम पे ने कोई भी काम बता दो फटाक से कर देते हैं. और सही बात भी है, काम नहीं करेंगे तो वोट भी नहीं मिलेंगे. सेवेंथ, ये पार्टीज देश के लोगों के विचारों को बहुत इफेक्ट करती हैं. अगर ये लोग करप्शन को मुद्दा बनाएंगे तो करप्शन मुद्दा बन जाएगा और अगर ये बिजली पानी को मुद्दा बनाएंगे तो बिजली पानी मुद्दा बन जाएगा और लोग देश के अंदर के करप्शन को भूल जाएंगे. तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फंक्शंस. और तुम कोई भी 5 लिख के आ जाना एग्जाम में, लेकिन याद 7 कर लेना, कंजूसी मत करना, वरना तुम तो जानते ही हो क्या होता है. मैंने तुम्हें 7 पॉइंट्स बताए हैं, तुम एग्जाम के लिए बस 5 याद करोगे और एग्जाम देते समय तुम्हें बस 3 याद आएंगे और मिलेंगे बस तुम्हें 1 नंबर. फिर तुम मन ही मन एग्जामिनर को गालियां दोगे, ये 1 नंबर क्या दिया है, इसे भी रख लेता. चलो अब देखते हैं कि कैसे कैसे पार्टी सिस्टम है इस दुनिया में. तो पहला है 1 पार्टी सिस्टम. इसमें देश में बस एक ही पार्टी होती है और फिर उसी पार्टीज के कुछ कैंडिडेट्स एक सीट के लिए इलेक्शन में लड़ते हैं. तो कोई भी जीते सरकार तो उसी पार्टी की बननी है और ये सिस्टम चाइना में है. सेकंड टाइप है 2 पार्टी सिस्टम. इधर देश में पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं पर रियलिटी में सिर्फ 2 मेन पार्टीज होती हैं और इलेक्शन में इन्हीं दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी जीतती है. यूएसए और यूके में कुछ ऐसा ही सिस्टम है. तीसरा टाइप हो जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम. इधर बहुत सारी पार्टीज होती हैं और इन पार्टीज में से कोई भी जीत सकता है
और इस सिस्टम का एग्जाम्पल होगा अपना भारत देश। यहाँ पर तो हम ये भी देखते हैं कि दो चार पार्टीज एक साथ मिलके कोलिजन गवर्नमेंट भी बना लेती है अगर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनती है। वैसे यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं ये लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं? तो यार इन बागड़ बिल्लों में कुछ बागड़ बिल्ले बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं तो इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए इन्हें टोटल वोट के 6% वोट चाहिए होते हैं, या तो लोकसभा इलेक्शन में या फिर किसी भी 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन में। और दूसरी कंडीशन है कि इनके पास लोकसभा में 4 सीट्स होनी चाहिए, तब इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, जिसके इन्हें बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने के बाद इन्हें खुद का ऑफिस मिलता है और इन्हें एक परमानेंट सिंबल मिलता है जो कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती, और न जाने कितने और फायदे। इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है। और अगर स्टेट पार्टी बनने का है तो दो कंडीशन दोबारा आ जाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल वोट्स के 6% वोट्स हासिल करने होते हैं, प्लस 2 सीटें जीतनी भी पड़ती हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इन्हें रीजनल पार्टी भी कहा जाता है। इसके बाद बुक में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, एनसीपी जैसी पार्टीज के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फो दे रखी है, तो उसे एक बार पढ़ लेना। वैसे इन 5-6 पार्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं, इसीलिए एक दो बार पढ़ लेना। और हाँ, चैप्टर के एंड में जो डेफिनेशंस होती हैं वो जरूर कर लेना। ये बात तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से पक्का क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, ये जो पार्टीज हैं ये जितनी अच्छी अभी तक हमें दिख रही है ये उतनी अच्छी होती नहीं है। चलो फिर इनकी थोड़ी सी बुराइयां पढ़ते हैं। पहली बुराई तो ये है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं इन्हें सिर्फ कुछ गिने चुने इक्के दुक्के लोग ही कंट्रोल करते हैं और पार्टी के सारे डिसीजंस लेते हैं। यानी पार्टीज के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, और जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं जो इन बड़े लोगों के लिए वोट्स मांगने घर घर धक्के खा के आते हैं, इन्हें यही नहीं पता होता कि वो पार्टी के बड़े लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। सेकंड है कि ये जो एक दो लोग होते हैं जो पूरी पार्टी को कंट्रोल करते हैं, ज्यादातर एक ही परिवार के होते हैं। यानी बेसिकली एक परिवार का राज चल रहा होता है पूरी पार्टी पर। थर्ड, ये जो पार्टीज हैं ये इलेक्शन में उन लोगों को खड़ा करती है जो अमीर होते हैं और इनकी पार्टीज को भर भर के रुपए देते हैं, और पार्टी को कुछ मतलब भी नहीं होता। कभी कभार तो ये पार्टीज बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गुंडों को भी टिकट दे देती है। फोर्थ है कि यार आजकल सारी पार्टीज एक जैसी हो गई हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारी पार्टीज बेकार हैं और बेहुदा हैं। अब हमें ये देखना होता है कि कौन सी पार्टी कम बेकार है और फिर हम उसको वोट दे देते हैं, इसीलिए इस देश का इतना नाश हो रखा है। यार अगर यही सब चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए कुछ स्टेप्स भी लिए जाने चाहिए ताकि ये लोग सुधर जाएं। चलो अब उन स्टेप्स पर एक नजर मार लेते हैं। फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बना दिया गया है कि जो लोग एमपी एमएलए बन के आते हैं वो अगर पार्टी चेंज करेंगे तो उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा बहुत होता था कि लड़े एक पार्टी से फिर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए जिनकी सरकार बनी होती है, ताकि वो उस पार्टी में जाके मिनिस्टर वगैरह बन जाए और उनके पास ज्यादा पावर आ जाए। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो अपनी सारी इनकम और क्रिमिनल केसेस इलेक्शन कमीशन को बताएगा, ताकि पब्लिक को भी तो पता चले कौन कितना अमीर और कितना बड़ा डॉन है। थर्ड, इलेक्शन कमीशन ने भी ऑर्डर पास कर रखा है कि जितनी भी पार्टीज की टॉप पोस्ट है उनके लिए पार्टीज के अंदर इलेक्शन होंगे जिसमें पार्टी के सारे मेंबर्स वोट करेंगे, लेकिन असलियत में ये इलेक्शन बस एक फॉर्मेलिटी टाइप ही होती है
हर बार उसी परिवार के मेंबर्स ही जीत जाते हैं। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन इन स्टेप्स से ये लोग सुधरने वाले नहीं है। तो अब हमें और क्या क्या करना चाहिए ताकि इनकी मुड़ी हुई पूंछ सीधी हो जाए? तो इनको सुधारने के लिए कुछ सजेशन जो बुक में दे रखे हैं वो हैं, अरे रुको रुको, मुझे एक स्लोगन याद आ गया जो मैंने पहले कभी सोचा था। मुझे लग रहा है अगर कांग्रेस ये यूज करेगी तो पक्का अगला इलेक्शन जीत जाएगी। चलो स्लोगन सुनो, इस बार तेज है आंधी, अब की बार राहुल गांधी। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, ना कांग्रेस ना बीजेपी। कहीं तुम लोग एग्जाम की फिक्र छोड़ के कमेंट बॉक्स में मोदी मोदी और कांग्रेस कांग्रेस करने लग जाओ। ना कांग्रेस तुम्हें पास कराएगी ना मोदी, इसीलिए चुपचाप बैठ के पढ़ लो। तो सजेशन नंबर 1 है कि एक लॉ बना दो कि सब पार्टीज को अपने पार्टी फॉलोअर्स की अच्छे से लिस्ट बनानी होगी और वो लोग भी उनकी पार्टीज की टॉप पोस्ट के लिए वोट्स देंगे, और पार्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट कमेटी टाइप हो जो पार्टी के अंदर की सारी लड़ाइयां सॉल्व करे। सेकंड, ये कंपलसरी हो जाए कि पार्टी को 1/3 टिकट्स वुमेन्स को देनी है और पार्टीज की टॉप पोस्ट में भी 1/3 वुमेन्स हो। थर्ड है कि गवर्नमेंट इनको रुपए दे इलेक्शंस में लड़ने के लिए, और ये फंडिंग उस पे डिपेंड हो कि उस पार्टी को लास्ट इलेक्शन में कितने वोट्स मिले थे। तो चलो यारो, मूवी हुई यही समाप्त। और मॉरल है, आजादी के बाद हर एक चीज महंगी हो गई, सिर्फ एक चीज पे महंगाई का असर नहीं पड़ा, वो है हमारे देश के नेता। पहले भी 2 कौड़ी के थे और अब भी 2 कौड़ी के हैं। Could be us. So back to what I was saying. Could be us.